भाई साहब, गाइस ये है दुनिया की सबसे मजबूत परमानेंट मैग्नेट के टाइप में से एक, नियोडिमियम मैग्नेट। भाई साहब ये जो है ना इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम्हारे पास इस टाइप की मैग्नेट है ना तो भाई ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें जो है किसी तरह का नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि अगर हम इसको गलती से किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास ले जाते हैं ना तो भाई साहब ये जो उसको इतनी स्पीड से खींचती है कि हमारी जो मैग्नेट है ना वो ही पूरी तरह टूट जाती है, और साथ ही साथ ये जो है बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हमारा हाथ इसके बीच में आ जाए ना तो भाई साहब ये हाथ की चटनी बना सकते हो। और आज हम इन्हीं एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने वाले हैं, आखिरकार ये जो मैग्नेट है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है और किस तरह से हम इस मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। चल गा भाई साहब, अपना डिब्बा वाला जो टीवी है वो चल चुका है गाइस। फाइनली अब जो है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम वो करेंगे जिसको करने से बचपन में बड़ा डर लगता था भाई। अगर हम डिब्बे वाले टीवी के पास मैग्नेट को ले जाते थे तो भाई जो इसका स्क्रीन का कलर है ना वो रंगीन हो जाता था, मतलब अलग अलग पैटर्न बन जाते थे। और भाई उस समय तो जो है ना नॉर्मल सी मैग्नेट के साथ करते थे, अब जो है ना पावरफुल नियोडिमियम मैग्नेट के साथ ट्राई करेंगे। भाई इससे तो इतना ही हो रहा है, देख जैसे इसने पास ले जा रहे हैं ग्रीनिश कलर की हो रही है ना स्क्रीन। हाँ देखो ऊपर नीचे कर रहे थे, ऊपर वो अब रेड आया, ग्रीन था अब रेड आया। देखो जैसे जैसे मैग्नेट इसका आगे ले जा रहा हूँ ना, ग्रीन ऊपर है रेड नीचे है, और अब जो है वो और ज्यादा पैटर्न बन रहे हैं। इतनी छोटी मैग्नेट तो टीवी खराब होगा, लेकिन ये छोटी है बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। अब जो है ना सारी मैग्नेट एक साथ सारी मैग्नेट तक ट्राई करेंगे। फाइनली अब जो है भाई सारी की सारी मैग्नेट लगा दी, यहाँ पे एक छोटी वाली है ये मॉन्स्टर साइज की नियोडियम मैग्नेट, ये भी जो है इससे तो छोटी है लेकिन ये भी बहुत पावरफुल है, और यहाँ पर देखो कितनी सारी मैग्नेट है। और भाई इतनी दूर तक तो ज्यादा कुछ असर ना हो रहा, यहाँ पे असर हो रहा है, देख दिख रहा है ना, देख हो रहा है ना भाई साहब, बहुत खतरनाक पैटर्न बन रहे हैं। और देख अभी जो है और ज्यादा पास ले जाऊं, और ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट से होगा, अब जो इनका कलर है ना वो कम कम होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा। और ये देख टेलीविस्टा देख कैसे कैसे घूम रहा है, और बिल्कुल पास लेगा तो भाई पूरी स्क्रीन ही गई, यहाँ पे बस हल्की सी लाइट की एक डॉट सी रहेगी, टीवी तो जो है अब खराब हो चुका है। भाई सबसे पहले ट्राई करेंगे ये जो मॉन्स्टर मैग्नेट है वो एक साथ कितने सिक्कों को ऐसे लाइन में चिपका सकती है। धीरे धीरे करके चिपकाने, देखो अपना आप ही लेगी पूरी लाइन। अब तेरी की इतने ज्यादा उठा लिए भाई, नॉर्मल मैग्नेट जो है ना वो मुश्किल से 5-6 सिक्के उठा पावे, और इसने देखो कितने ज्यादा उठा लिए। इस तरह की खतरनाक चीज को अगर हम इस मॉन्स्टर मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो भाई साहब वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा अभी देख लो। देखो ओह बहुत स्पीड है, अभी रुक जाओ, अभी जो है तुमने बहुत ज्यादा चीज जो है अलग अलग चीज देखने मिलेगी, ये जो है कितना ज्यादा खतरनाक है। एक आलू यहाँ पर रख दिया मैग्नेट के ऊपर, और अब देखना 3 ओह भाई साहब मैग्नेट की पावर तक खटका, मैंने जो है हल्का सा भी ऐसे ना मारा, मैग्नेट ने जो है फटाफट तक खींच लिया और बिल्कुल साफ तरीके से कटा आलू। ये रख दी भाई साहब मिर्च बिल्कुल सेफ्टी थे, और अब इन 1, 2 and 3 अब देखो कट गई ना, बहुत आराम तक कर रहा हूँ। अब भिंडी काट के देख रहे भाई साहब बहुत खतरनाक तरीके से काट रहा है, अब जो है बैंगन काटेंगे 3, 2, 1 गाइज ये है ग्लू स्टिक से बनाया हुआ डमी हैंड, और भाई साहब इसको जो है हम इन दोनों मैग्नेट के बीच में ऐसे क्रश करने वाले हैं। स्पीड तो आओगी, खींच रही है वाली अभी तो एकदम, हाथ का तो अभी कुछ ना हुआ, वैसे देखना कितनी स्पीड तो आओगी। इन 1, 2 and 3 ये एक बहुत ही यूनिक सी चीज है भाई, मैग्नेटिक क्ले। और भाई इसके इंग्रेडिएंट में जो है आयरन पाउडर भी है, ये लिखा ना आयरन पाउडर साफ साफ दिखा है, ऐसे लगा वाह अब ठीक है ना। गरम हो रहा है मॉन्स्टर मैग्नेट तो खींच लेगी, खींच लिया वो भी खींच रहा है। हाँ हाँ देखो खींच रहा है भाई, वो स्पीड तो है मेरे खींच रही है, वो ना की खींच लिया। और ये कैसा बन गया भाई, भाई मैं भी लगा के देख रहा हूँ आखिरकार कैसा फील हो है। वैसे भाई पूरा जो है इसके अंदर आयरन ही आयरन लग रहा है, तब तो भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन है ना, तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई साहब मिट्टी लगा ली। ओ गर्म है यार, गर्मी तो बहुत ज्यादा गर्म भी हो रखा है। अब भाई मैग्नेट का कमाल देखना, ओ खींच रही है भाई, बहुत ज्यादा अलग सा फील हो रहा है, ऐसे गुदगुदी हो रही है पूरे मुंह पे, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना मैग्नेट ने तो साथ ही ऐसे ऐसा फील सा हो रहा है। इधर तक खींचेगी, इधर ओ गया, खींच रही है भाई, है तो पूरा मैग्नेटिक ही, वैसे काम कर रही है यह चीज, लेकिन अच्छी ना है, मस्त मजे ना आए। ना उतर रहे हो डंकर, पूरा मुंह खराब होगा। हाँ हैगा अभी भी हैगा भाई, कुछ दिन पहले जो है ना इस कुएं के अंदर वीडियो बनाते समय हमारा एक लोहे का बक्सा गिर गया था, देख वो रहा जुगाड़ अपना कुछ ऐसा है, एक मैग्नेट यहाँ पे लगा दी, एक मैग्नेट यहाँ पे लगा दी, और यो जो हथियार है वो इस तरह बांध दिया रस्सी थे। अब भाई शायद उतना वेट तो उठा लेगी, वैसे वो भारी था बहुत ज्यादा, लेकिन उठा लेगी। अब भेज रहे है भाई बहुत स्पीड से जाके चिपकेगी, 1, 2, 3 ओ चिपक गई भाई साहब, चिपक तो गई लेकिन चिपक भी गया, और बक्सा भी उठा लिया, वैसे बहुत ज्यादा मजबूत है, अभी निकाल। ओ भाई मैं पीछा हो जाऊं यार, मैं ही गिर जाता अभी। धीरे धीरे
गाइस अब जो है भाई ट्राई करेंगे हम इस मैग्नेट की मदद से अपने इन जूतों को परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक शूज बना सकते हैं। सिंपल जो है इस मैग्नेट को ऐसे रखेंगे और भाई सिंपल सा जुगाड़ था, अब जूता पहनना है। अब ठीक है, अब ट्राई करूं, खुल जा, चिपका दो रहा भाई, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग ना है क्योंकि जूते का सोल आगा ना, कितना मोटी रबड़ जो है इसके बीच में आ गई, उसकी वजह से थोड़ा कमजोर हो रही है, पैर में चुभ भी रही है। अब जो है ना गाड़ी के ऊपर चढ़न दे, फिर गाड़ी चलाइयो। अबे मैं तो गिरा हूं, आराम से चला बे।